टीवी की दुनिया में समय समय पर नए शोज आते ही रहते हैं। छोटे पर्दे पर टिके रहने के लिए ये जरूरी है कि टीवी शो टीआरपी लिस्ट में शानदार परफॉर्म करे, और इसीलिए तो मेकर्स ट्विस्ट और टर्न्स का तड़का लगाने में रहते हैं। वो बात अलग है कि शो को दिलचस्प बनाने के चक्कर में कई बार मेकर्स फैंस को एंटरटेनमेंट का ओवरडोज दे देते हैं। बहुत से ऐसे टीवी शोज हैं जिनकी कहानी में आए अजीबोगरीब ट्विस्ट फैंस आज भी याद करते हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको टीवी की दुनिया के कुछ ऐसे ही शोज की सैर करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाएंगे। साथ निभाना साथिया सीजन 1। सीरियल साथ निभाना साथिया को तो इस लिस्ट में सबसे पहली पोजीशन मिलनी चाहिए। भला भोली भाली गोपी बहू को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। गोपी बहू वो लड़की है जिसने अपनी सास और पति की बात मानते हुए लैपटॉप की ही धुलाई कर दी थी। इतना ही नहीं, गोपी बहू ने तो इस लैपटॉप को सुखाने के लिए रस्सी पर भी टांग दिया था। फैंस आज भी गोपी बहू की इस बेवकूफी पर बहुत हंसते हैं। ससुराल सीमर का। ससुराल सीमर का के कई सीन्स ऐसे हैं जिनको देखकर फैंस का दिमाग चकरा गया था। इसमें से एक सीन का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये तो सबको पता है कि ससुराल सीमर का की सास कितनी गुस्से वाली थी। एक सीन में सास ने अपनी बहू को ही चाटा मार दिया था। ये चाटा बहू को इतनी जोर का लगा कि वो सीधा जाकर फांसी पर ही लटक गई। उन्होंने घर के पर्दे को ही फांसी का फंदा बना दिया था। अब कोई शो के मेकर से ही पूछे, क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के मेकर्स कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए काफी मेहनत करते हैं। वो बात अलग है कि शो की टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में मेकर्स सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का मजाक बनवा बैठे थे। लॉकडाउन के बाद शूटिंग शुरू होने पर ये रिश्ता क्या कहलाता है के कुछ सीन्स खूब वायरल हुए थे। इन सीन्स में नायरा फेस मास्क लगाकर कार्तिक के साथ रोमांस करती दिखी थी। इन सीन्स को देखकर फैंस के होश उड़ गए थे और वो दोनों ट्रोल्स का शिकार भी हुए थे। नागिन 5। एंटरटेनमेंट के ओवरडोज का सिलसिला यही नहीं थमा। नागिन के सीजन 5 में एक बार फिर से कुछ सीन्स ने फैंस को हैरान परेशान कर दिया था। नागिन 5 के एक सीन में जय और बानी एक दूसरे को अपनी सांप वाली जबान से डराते नजर आ रहे हैं। इस सीन को देखकर फैंस को 440 वोल्ट का झटका लगा था। वैसे लोग तो ये भी कहने लगे थे कि ये दोनों सितारे सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इश्क में मरजावा 2। एंटरटेनमेंट का ओवरडोज देने के चक्कर में सीरियल इश्क में मरजावा के मेकर्स ने तो हद ही कर दी थी। सीरियल इश्क में मरजावा के एक सीन में शो की हीरोइन रिधिमा अचानक से एक सूटकेस में लॉक हो गई थी। ये तमाशा देखकर तो फैंस ने मेकर्स से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। वैसे मानना पड़ेगा कि शो के मेकर्स कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, आपको कौन सा सीन लगा सबसे फनी? बताइए हमें आपकी राय। और टेली मसाला को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर।